सो दोस्तों, आप सबको पता है कि इन्फिनिक्स काफी कम प्राइस पे अपने स्मार्टफोन लॉन्च करती है और 10,000 से कम अगर किसी का बजट होता है तो वो इन्फिनिक्स के कुछ स्मार्टफोन्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका जो नोट 7 स्मार्टफोन आने वाला है ये काफी इम्प्रेसिव लग रहा है और काफी सारे इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस बजट में देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो स्पेशल बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर आपको एक काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अंदर कंपनी ने 6.95 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी है जिसके अंदर कि आपको देखने को मिलेगा एक पंच होल का डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि इस बजट में आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाई है और दोस्तों ये डिस्प्ले इतनी बड़ी है कि जितनी आपको देखने को मिलती है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब तक की ये सबसे बड़ी डिस्प्लेज में से एक है जिसमें कि आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं या फिर इसके ऊपर गेमिंग वगैरह करते हैं। तो 6.95 इंच की एक HD+ डिस्प्ले काफी स्टाइलिश लग रही है एक पंच होल के साथ में। वहीं पे दोस्तों कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का हीलियो G70 चिपसेट जो कि एक बजट चिपसेट होने वाला है गेमिंग कस्टमर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, हीलियो की जो जी सीरीज होने वाली है वो स्पेशल गेमिंग के लिए बनाई गई है और इसके अंदर भी आपको दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगर हम बजट कस्टमर्स की बात करते हैं। एक और इम्प्रेसिव फीचर की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपको ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। तो बड़ी डिस्प्ले के साथ दोस्तों ड्यूअल स्पीकर्स और DTS ऑडियो प्रोसेसिंग आपको काफी अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगी। अगर कैमराज की बात करते हैं दोस्तों तो इसका बैक डिजाइन आपको कुछ कुछ देखने में लगेगा Redmi K30 Pro की तरह, जिसके अंदर आपको सर्कुलर डिजाइन में कैमराज दिए गए हैं। इसके अंदर आपको दोस्तों 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने, जिसमें कि आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और ये दोस्तों आपको मिलेगा 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ में। हालांकि दोस्तों आप स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए। एक और इम्प्रेसिव चीज की बात करें तो वो है दोस्तों इसकी बैटरी। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी 5000mAh की बैटरी और ये 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आने वाली है। तो चाहे हम बात करें एक बड़ी डिस्प्ले की, ड्यूअल स्पीकर्स की, एक अच्छे प्रोसेसर की या फिर दोस्तों एक बड़ी बैटरी की, इसके अंदर आपको एक कंप्लीट ओवरऑल पैकेज दिया है कंपनी ने। और अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इस बजट में दोस्तों ये अच्छे से कम्पीट कर सकता है रेडमी और रियलमी वगैरह के स्मार्टफोन्स के साथ में। हालांकि दोस्तों काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस कंपनी का नाम सुन के ही ये स्मार्टफोन नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम इसकी स्पेक्स को देखें तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन है सभी कस्टमर्स के लिए। और दोस्तों आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप अपने स्मार्टफोन में ज्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट देखते हैं और आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए बड़ी बैटरी के साथ में और ड्यूअल स्पीकर्स के साथ में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।